हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स रेडमी का 9 प्रो और 9S ये दोनों सेम से ही मॉडल हैं रेडमी कंपनी के, और दोनों में सेम से ही बीमारी आती है। और जो इस फ़ोन में प्रॉब्लम आती है तो वो ये है कि फ़ोन चलते चलते अचानक से बंद हो जाएगा, या फिर ऑन करेंगे तो ऑन होगा, पूरा ऑन नहीं होगा, दोबारा रेडमी पे आएगा, बंद हो जाएगा, फिर रेडमी पे स्टार्ट होगा। तो इस तरह की इस फ़ोन में प्रॉब्लम काफ़ी आती है, दोनों ही मॉडल में ये फॉल्ट आता है। और इन दोनों मॉडल के साथ साथ ओप्पो, वीवो या और भी दूसरी कंपनी के कुछ ऐसे मॉडल हैं जैसे टेक्नो वगैरह के भी, जिसमें सेम इस तरह की प्रॉब्लम आती है। तो फ्रेंड, ये जो फॉल्ट है ये फ़ोन में बैटरी की वजह से आता है। अब इस फ़ोन को हमने चार्जर पे लगाया है, और चार्जर पे लगाने के बाद ये फ़ोन प्रॉपर काम करेगा, हर एक चीज़ की काम करेगी ठीक से, कैमरा चलाएं कैमरा चलेगा, घंटों कॉल पर बात कर लीजिए, आप यूट्यूब चला लीजिए, चार्जर लगाने के बाद ये प्रॉपर चलता रहेगा, ठीक है फ्रेंड। तो ये जो फॉल्ट है ये बैटरी का है, आप नई बैटरी खरीद के इसमें लगा देंगे तो आपका फ़ोन प्रॉपर बढ़िया से काम करने लगेगा। लेकिन इस बैटरी, जो इस फ़ोन में बैटरी लगी है वो भी ख़राब नहीं होती है, यानी कि जो सेल है बैटरी का वो ख़राब नहीं होता। इस बैटरी पर लगा हुआ जो सर्किट है उस सर्किट में एक कंपोनेंट लगा होता है जिसकी वजह से ये फॉल्ट फ़ोन में आता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने चार्जर हटा दिया, अब हम इसको यूज़ कर रहे हैं, जैसे ही फ़ोन पर लोड पड़ेगा फ़ोन अचानक से बंद होकर चालू हो जाएगा। तो एक बार चेक करते हैं, तो जैसे कि आप देख रहे हैं फ़ोन बंद हो गया अचानक से और ये दोबारा चालू हो गया। तो इस फॉल्ट में फ़ोन पर जैसे ही लोड पड़ता है, यानी कि आप कोई कॉल अटेंड कर रहे हैं या यूट्यूब चला रहे हैं या रिंगर बजा रहे हैं, तो फ़ोन एकदम से बंद होकर चालू हो जाएगा। लेकिन आप चार्जर पर लगाकर इसको यूज़ करेंगे तो फ़ोन पूरी तरह से एकदम काम करेगा, बढ़िया से काम करेगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये बैटरी का फॉल्ट है, अगर आप नई बैटरी लगा के इसको, मतलब नई बैटरी लेकर इसमें लगा देंगे तो फ़ोन प्रॉपर तरीके से काम करने लगेगा। लेकिन फ्रेंड, ये जो बैटरी है फ़ोन की, इस बैटरी पर लगा हुआ जो सेल होता है वो ख़राब नहीं होता, उसमें लगा हुआ एक सर्किट बोर्ड जिसे BMS बोर्ड बोलते हैं, उस BMS बोर्ड पर एक कंपोनेंट लगा होता है जिसे हम संट रेजिस्टेंस बोलते हैं या फिर संट रजिस्टर बोलते हैं। तो वो जो कंपोनेंट है वो इस फ़ोन में सेफ्टी के लिए लगाया जाता है। तो फ्रेंड्स, उस कंपोनेंट को सिर्फ उतार कर हमें नया नहीं लगाना होता, उसको डायरेक्ट करना होता है, जैसे कि इस वीडियो में हम दिखाने जा रहे हैं। तो हमने क्या किया, ऊपर की टेप को काट के और बैटरी को बिना मदर फ़ोन से निकाले, वैसे सेफ तरीका जो है वो बैटरी को आपको निकाल लेना है फ़ोन के अंदर से अगर आप रिपेयरिंग करते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो कंपोनेंट है ये संट रेजिस्टेंस है, जिसको अभी हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये जो कंपोनेंट है इसको संट रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो इसको हम पेस्ट लगाकर आयरन की हेल्प से हटा देंगे पूरी तरह से, और इसको हटाने के लिए हम आयरन ही यूज़ करेंगे, आयरन ही यूज़ करना है। अगर आप यहाँ पर SMD मशीन यूज़ करेंगे तो मशीन का जो टेम्परेचर, जो एयर है वो बैटरी पे पड़ेगी और कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है, बैटरी ओवरहीट होने की वजह से जल सकती है, फट सकती है। तो इस कंपोनेंट को आपने आयरन से ही हटाना है। तो आयरन से हटाने के बाद इस रेजिस्टेंस को आपने कि इस रेजिस्टेंस के दोनों, यानी कि रेजिस्टेंस को हटाने के बाद, इस सेंस रेजिस्टर को हटाने के बाद, इसके दोनों पॉइंट्स को हैवी जंपर वायर से या फिर आयरन पे थोड़ा एक्स्ट्रा सोल्डर लगा के इन दोनों पॉइंट्स को आपस में जोड़ना होता है। उसके बाद ये फॉल्ट परमानेंटली ठीक हो जाता है, जब तक कि फ़ोन की बैटरी की लाइफ है तब तक बैटरी इसमें ओके चलेगी। और फ्रेंड, ये जो कंपोनेंट है ये फ़ोन में, मतलब फ़ोन की बैटरी में सेफ्टी के लिए लगाया जाता है, ताकि अगर बैटरी पर ओवरलोड बढ़े तो ये करंट को रोक देती है, ताकि फ़ोन में बैटरी पे कोई इफेक्ट ना आए। तो फ्रेंड्स, ये जो कंपोनेंट है ये वीक हो जाता है, यानी कि ख़राब हो जाता है, जिस वजह से इस तरह का फॉल्ट बिना बैटरी के ख़राब हुए या फिर बिना फ़ोन का ओवर लोड बढ़े भी ये इस तरह की प्रॉब्लम दिखाने लगती है, जिसकी वजह से फ़ोन रिस्टार्ट होने लगता है, या फिर जैसे कॉल आता है, कॉल अटेंड करते हैं या कैमरा चलाते हैं या कुछ भी वर्क करते हैं फ़ोन में, तो इस तरह का जो है जो इशू आने लगता है फ़ोन में, कि फ़ोन या तो ऑन होगा तो लगातार रिबूट होता रहेगा, या फिर चार्जर पर ही चलेगा, या फिर कोई भी हम हैवी वर्क करेंगे तो फ़ोन ऑफ हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, बिना चार्जर लगाए हम फ़ोन को चेक कर रहे हैं, फ़ोन हमारा प्रॉपर चलने लगा है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह के और फॉल्ट्स की वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। थैंक यू दोस्तों।